एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 हिंदी पाठ 6 पन्ना का त्याग के प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, चंदन की माँ का नाम क्या था? तो चंदन की माँ का नाम पन्ना था। प्रश्न 2, तलवार शब्द की समान तुक वाला शब्द लिखिए। तो तलवार शब्द के समान तुक वाला शब्द है ललकार। प्रश्न 3, बनवीर किसे मारना चाहता था? उत्तर है, बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। प्रश्न 4, पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा क्यों की? तो उत्तर है, पन्ना ने अपना राजधर्म और कर्तव्य निभाने के लिए उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। प्रश्न 5, स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, स्वामी भक्ति से अभिप्राय है कि हमारे मालिक या स्वामी की सेवा सच्चे मन से करना चाहिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। अंबर, सूरज, सिंह और आंख। तो अंबर के पर्यायवाची शब्द हैं आंख और नाभ, सूरज के पर्यायवाची शब्द है सूर्य और रवि, सिंह के पर्यायवाची शब्द है शेर और वनराज, और आंख के पर्यायवाची शब्द है नेत्र और चक्षु। प्रश्न 7, यदि आप पन्ना के स्थान पर होते तो उदय की रक्षा के लिए क्या करते? तो इसका उत्तर है, जिस प्रकार पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की शैया पर सुला दिया और उदय सिंह को कीरत की टोकरी छिपाकर महल से बाहर कर दिया, उसी तरह हम यदि पन्ना के स्थान पर होते तो किसी न किसी तरह की युक्ति लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करते। इसके लिए चाहे हमें अपने प्राण ही न्योछावर क्यों न करना पड़ते। प्रश्न 8, दोना और पत्तल के बीच में किसको छुपाया गया था? तो उत्तर है इसका, उदय सिंह को। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए। शब्द हैं पन्ना, रक्त और काल। तो पन्ना के शब्द हैं कीमती रत्न या पृष्ठ, लहू के हैं रक्त या खून, काल का है समय और मृत्यु। प्रश्न नंबर 10, आप पन्ना, कीरत, बनवीर में से कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, हम पन्ना, कीरत, बनवीर में से पन्ना बनना चाहेंगे, क्योंकि पन्ना ने स्वामी भक्ति में स्वयं के पुत्र का त्याग देकर कुंवर उदय सिंह को बचाया। यह कार्य उसकी कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित करता है, जिससे हम प्रभावित हुए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।